ये फ्राइज हमारे रेडी हो गए, इनको निकाल लेंगे और बाकी डाल लेंगे। ये देखें बहुत क्रंची और बिल्कुल जिंगर लग रहे हैं, बहुत अच्छे। इनकी स्ट्रिप्स ज़्यादा मोटी ना काटें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, इसमें हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ अंडे के साथ, और साथ में हम यूज़ करेंगे मैदा, चिली फ्लेक्स, नमक, सुरख मिर्च और खुश्क धनिया, साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, एक अदद अंडा जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और ये बाइंडिंग के लिए है मैदा, इससे क्रिस्पी भी होगा और बाइंड भी होंगे। तो हम पहले आलू काट लेते हैं। आलूओं को छील के धो के हमने रख लिया, इसके फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं। इनकी स्ट्रिप्स ज़्यादा मोटी ना काटें, क्योंकि अंडा है, अंडा थोड़ा जल्दी पक जाता है, फिर आलू आपके कच्चे रह जाएंगे। और इसकी एक एक जो है फ्राइज उसको लदा लदा डालें। ये बहुत मज़े के बनते हैं रमज़ान मुबारक में, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आलू हमने कट कर लिए, अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा। अगर ज़्यादा आलू हो तो आप दो अंडे डाल लें। ये मसाले इसमें जाएंगे, सब्ज़ धनिया, इसमें पानी नहीं डालेंगे, मैदे को अंडे के साथ ही मिक्स करेंगे। मैदा हमने रखा है यहाँ पे तकरीबन आधी प्याली, क्योंकि हमारे आलू कम है, अगर आलू ज़्यादा हो तो आप एक प्याली डाल लें। इसी तरह इसको बस मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेंगे। एग फ्राइड बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज बनते हैं एग के साथ। ये देखिए एक एक पोटैटो पे पूरी कोटिंग हो गई है, पानी नहीं यूज़ करना आपने। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा अंडा और डाल लें। अब एक एक स्ट्रिप पकड़ेंगे और इसको फ्राई करेंगे। फिंगाइल गर्म हो गया हमारा, इसमें ऐसे एक एक स्ट्रिप डालेंगे। ये फ्राइज हमारे रेडी हो गए, इनको निकाल लेंगे और बाकी डाल लेंगे। ये देखें बहुत क्रंची और बिल्कुल जिंगर लग रहे हैं, बहुत अच्छे। इस तरह अकेला अकेला एक एक डाल लें, वरना वो पकौड़ों की शक्ल में आ जाएंगे। ये देखें हमारे फ्राइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रेडी हुए। बारीक काटेंगे तो फिर अंदर तक अच्छी तरह पक जाएंगे। हमारे एग फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आएंगे। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।